This is our second lecture of JavaScript. We will cover operators. So let's get started. An operator operates on one or more expression. जो operator होता है वो operate होता है one or more expression. और operator होता क्या है? Operator is a symbol like plus, minus, and ये एक symbols होते हैं. इनको हम symbol भी derive करते हैं. And जो expression होता है इसको बोलते हैं हम operand. इसको बोलते हैं operator. Again इसको बोलते हैं operand. सो एक्सप्रेशन से एक डिफाइन बन सकती है एंड ऑपरेटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स. अब है प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स एंड बाइनरी. प्रीफिक्स में हम जो ऑपरेटर से पहले ऑपरेंड लगाते हैं एंड पोस्टफिक्स में हम ऑपरेंड से बाद ऑपरेटर लगाते हैं एंड बाइनरी में हम दो या दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स लगाते हैं एंड ऑपरेंड में हम दो या दो से ज़्यादा लगा सकते हैं एंड यूनरी में हम एक ही ऑपरेंड लगाते हैं हमेशा. वेरियस ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट: अर्थमेटिक, असाइनमेंट, कंपैरिजन, लॉजिकल, कंडीशनल एंड स्पेशल ऑपरेटर्स. इन अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर प्लस, माइनस एंड ऑल आर अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड इन असाइनमेंट ऑपरेटर वी असाइन द वैल्यू टू द ऑपरेंड एंड ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर वी कंपेयर टू ऑपरेंड और टू एक्सप्रेशन एंड इन लॉजिकल देयर आर लॉजिकल एंड, लॉजिकल नॉट एंड लॉजिकल. इन कंडीशनल एंड टर्नरी ऑपरेटर वी विल गिव अ कंडीशन टू अ कंपैरिजन एंड इन स्पेशल ऑपरेटर्स देयर आर वेरी स्पेशल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट. अर्थमेटिक ऑपरेटर आर सिंपलेस्ट बेसिक टू वेरिएबल ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर. इससे हम एक डिफाइन भी बना सकते हैं. जैसे अर्थमेटिक ऑपरेटर आर सिंपलेस्ट एंड बेसिक दैट डू अर्थमेटिक ऑपरेशन एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर कंटेन्स टू वेरिएबल दैट्स व्हाई दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट. दीज आर एग्जाम्पल्स एंड लेट्स फर्दर इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर दैट इंक्रीमेंट द वैल्यू बाय वन एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आर ऑपरेटर दैट डिक्रीमेंट द वैल्यू बाय वन लाइक एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड इन डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन. दीज आर प्रीफिक्स एंड दीज ऑल्सो हैव पोस्टफिक्स लाइक वाई प्लस प्लस एंड वाई माइनस माइनस. अब हम करेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर. एंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज यूज टू असाइन द वैल्यू टू अ वेरिएबल. असाइनमेंट ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू. असाइनमेंट ऑपरेटर का एक्सप्रेशन होता है ये, सिंटैक्स होता है वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर. सो लेट्स सी द एग्जांपल. ऑपरेटर इज इक्वल टू प्लस एन इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू. ये अर्थमेटिक ऑपरेशन के साथ और यूज होता है एंड इसमें एग्जाम्पल है ये LHS और RHS वैल्यू को असाइन करता है इज इक्वल टू ऑपरेटर एंड प्लस इज इक्वल टू ऑपरेटर असाइन करता है वैल्यू ऑफ RHS टू द वैल्यू ऑफ LHS एंड इसमें होता है जो वैल्यू होती है LHS की एड होती है वैल्यू ऑफ RHS में और असाइन होती है बैक टू द वैल्यू ऑफ बैक होती है असाइन वेरिएबल के अंदर. अगेन इसमें सेम सब में ऐसी होता है जो वैल्यू होती है RHS की वैल्यू RHS की ऐड होती है वैल्यू ऑफ LHS में एंड असाइन होती है बैक टू द वेरिएबल. इन सब में सेम ऐसे ही सिंटैक्स होता है. अब हम स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर. कंपैरिजन ऑपरेटर इज यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज. ये हमेशा कंपेयर करता है दो वैल्यू को और कंपैरिजन ऑपरेटर ऑफन स्पेसिफाइड एज ट्रू और फॉल्स. इसको हम ट्रू और फॉल्स की फॉर्म में भी ले सकते हैं एंड ये हमेशा एक्सप्रेस करता है दो वैल्यू को और इसका सिंटेक्स होता है एक्सप्रेशन वन कंपैरिजन ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन टू. दिस इज सिंटेक्स ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर. दीज ऑल टाइप्स लेट स्टडी दिस. इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. एक ग्रेटर देन भी होता है इसको एज स्पेसिफाई करते हैं एंड स्ट्रिक्टली इक्वल. इसमें तीन होते हैं और इसमें दो होते हैं इक्वल टू में. सॉरी इधर एक लिख दिया था, इधर दो होते हैं और इधर तीन होते हैं इसलिए इसको स्ट्रिक्टली इक्वल कहते हैं एंड स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल में हम ये वाला
साइन भी लगा देते हैं। अगर आपको इसके फर्दर डिफाइंस और नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। अब हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर रेफर एज बोलियन ऑपरेटर। बोलियन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं? ट्रू और फॉल्स। एंड इट एक्ट्स अपॉन ऑपरेंडेंट देमसेल्फ सेल्फ आर लॉजिकल एक्सप्रेशन। अगर हम इसको डिफाइन की फॉर्म में करें तो हम ये भी लिख सकते हैं लॉजिकल ऑपरेटर आर रेफर्ड एज बुलियन ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर एक्ट्स अपॉन ऑपरेंड देमसेल्फ आर लॉजिकल एक्सप्रेशन। ये तीन होते हैं हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, इसको बोलते हैं लॉजिकल और, इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। इसको हम इस इन सिंबल से डिराइव करते हैं। अब हम देखेंगे एंड ऑपरेटर में। एंड ऑपरेटर तभी रिजल्ट देगा इफ़ अगर दोनों इसके कंडीशन ट्रू होंगे, तभी वो रिजल्ट देगा ट्रू में। देखिए इसमें देख सकते हैं, इधर अगर ये दोनों फॉल्स हैं तो इधर ये फॉल्स देगा, अगर इसमें एक भी ट्रू है तो फिर भी वो फॉल्स देगा। अगर इसमें दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होंगे तभी वो ट्रू देगा, मतलब तभी वो रिजल्ट देगा। एंड अगर हम और की बात करें, और में अगर एक भी कंडीशन ट्रू होगी तो उसमें रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा। जैसे इसमें देख सकते हैं फॉल्स 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 ट्रू, अगर इसमें एक भी ट्रू हुआ तो इसमें आंसर में रिजल्ट में ट्रू आएगा। एंड अगर हम लॉजिकल नॉट की बात करें, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो रिजल्ट ट्रू ही आएगा, और अगर ट्रू होगी तो फॉल्स आएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। और अगर आपको इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो टेलीग्राम चैनल के लिंक को फॉलो करें डिस्क्रिप्शन में। और आपके सेकेंड ईयर में डिप्लोमा में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आएगी तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर हो जाएंगे। अब हम स्टडी करेंगे कंडीशनल एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर। इन कंडीशनल ऑपरेटर दिस इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर होता है तीन ऑपरेंड पे और ये होता है इफ एल्स स्टेटमेंट के प्लेस में। अब इसकी हम डिफाइनमेंट बना सकते हैं, जैसे कंडीशनल ऑपरेटर इज आल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट एंड दीज ऑपरेट्स ऑन थ्री ऑपरेंड एंड दीज आर यूज इन प्लेस ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट। अब हम इसका सिंटैक्स लिखेंगे एक्सप्रेशन वन एंड क्वेश्चन मार्क एक्सप्रेशन टू एंड सेमीकोलन एंड एक्सप्रेशन थ्री। ये होता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स। अगर हमें देखना हो इसका मीनिंग तो हम लिखेंगे जैसे ए लेस देन ग्रेटर देन बी, तो अगर हमारा ए बड़ा हुआ तो वो प्रिंट होगा, अगर ए और बी ट्रू हुआ तो वो प्रिंट होगा एक्सप्रेशन वन, अगर ये फॉल्स हुई कंडीशन तो एक्सप्रेशन टू प्रिंट होगा। एंड तभी इसको हम इफ एल्स स्टेटमेंट बोलते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट में भी ऐसे ही होता है, जैसे अगर इफ वाली स्टेटमेंट ट्रू हुई, अगर हमारा कंडीशन ट्रू हुआ तो वो इफ स्टेटमेंट में प्रिंट होगा, और अगर फॉल्स हुआ तो एल्स स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। अगर इसमें देखें जैसे अगर एल्स वाई ग्रेटर देन 12, अगर हमारा वाई ग्रेटर देन 12 हुआ तो वो 2 प्रिंट करेगा, और अगर लेस देन 12 हुआ तो वो 400 प्रिंट करेगा। एंड स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज टू ऑपरेंड्स ऑन स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग ऑपरेटर ऑपरेशन करता है स्ट्रिंग पे, अगर हमें दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़ना है, मतलब वर्ड्स को जोड़ना है, तो हम इसको प्लस के साइन से डिराइव करेंगे। इंडिया प्लस ग्रेट, ये हमें प्रोड्यूस करेगा इंडिया ग्रेट। और अगर हम ग्रेट प्लस इंडिया करेंगे तो ग्रेट इंडिया। अगर हमें दो स्ट्रिंग को जोड़ना है तो हम इसको प्लस करके डिराइव कर सकते हैं।